शानदार जानदार जिंदाबाद, क्या कमाल की हॉकी खेली आज भारत ने। अब लग रहा है कि ये हमारा स्वर्णिम युग वापस आने वाला है हॉकी का। 8 गोल्ड, दुर्भाग्य की इस बार हम लोग गोल्ड ना ले पाए, लेकिन फिर 2 ओलंपिक में लगातार कांस्य पदक पाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि भारतीय टीम जिस तरीके से खेल रही थी, कुछ दुर्भाग्य था टीम के साथ कि हमारे अगेंस्ट अंपायरिंग हुआ, हमारे एक बहुत ही विश्वसनीय डिफेंडर जो वर्ल्ड के बेस्ट पेनल्टी कॉर्नर रशर है उनको 2 मैच के लिए निकाला गया, नहीं तो आज हम लोग गोल्ड के लिए खेलते। कोई बात नहीं, जो मिला बहुत है, अच्छी बात है कि टीम अब कॉन्टेस्ट में आ गई है, अब हम वर्ल्ड के किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और ये चीज़ बहुत आसान नहीं था, जिस तरीके से अन्य खेलों के चलते हॉकी पिछड़ते चला जा रहा था, और आज सारा सोशल मीडिया देश हॉकी हॉकी कर रहा है। यहाँ से हम लोग रिवाइव करेंगे, फिर से वो हमारा स्वर्णिम युग आएगा। अगर टीम की बात करें तो सृजेश, जिनको भारत का दीवार कहा जाता था, एक लंबे डेकेड तक वो भारतीय हॉकी के गोलकीपर है, उनका ये अंतिम मैच था, इससे बेहतर विदाई कुछ नहीं हो सकती थी। और उन्होंने दिखा दिया कि भारत के खून में हॉकी है, और हम फिर से उम्मीद करते हैं कि एक समय था हर भारतीय के घर में एक हॉकी स्टिक और हर भारतीय के दिल में हॉकी होता था, वो समय फिर से वापस आएगा। और हमारे कप्तान, जिन्हें भी सोशल मीडिया में सरपंच साहब के नाम पे बहुत ज़्यादा जाना जा रहा है, उनकी तो बात ना करें, क्या कमाल का खेल खेला है। हर जगह जहाँ भी है हरमन हरमन हरमन, और केवल डिफेंस नहीं किया, आगे जाके आप हमारे फॉरवर्ड को मदद कर रहे हैं, और मैक्सिमम गोल जो उन्होंने करके टीम को जिताई है पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक में। भारतीय टीम में की जो डिफेंस लाइन है अद्भुत है, और इतने अच्छे डिफेंस के साथ कोई भी टीम वर्ल्ड के किसी भी टीम को हरा सकती है। हमारे मिडफील्ड में मनदीप हैं, शागत प्रसाद हैं, शमशेर सिंह और हार्दिक तो अद्वितीय हैं। क्या कमाल की हॉकी खेली है उन्होंने, इतने विश्वसनीय कि आप कह नहीं सकते हैं। और जहां भी आप, जब भी हार्दिक खेले हैं, इंडियन टीम विजेता बनी है। आप उनको डिफेंस में देख सकते हैं, आप उनको फॉरवर्ड में देख सकते हैं, क्या कमाल की हॉकी खेली है। फॉरवर्ड लाइन में हम बार बार कहते थे कि जब तक हमारे पास गोल स्कोरर नहीं होगा, सुखजीत और अभिषेक के रूप में एक बहुत अच्छा स्कोरर मिला है जो आने वाले समय में विश्व के किसी भी टीम के डिफेंस को भेज सकता है। ललित का अनुभव, मनप्रीत का अनुभव, ये काफ़ी बैलेंस टीम थी, और रिजल्ट आपके सामने है। जर्मनप्रीत और अमित रोहिदास की अगर के बिना तो ये टीम अधूरी रहती। अमित रोहिदास जिस तरीके से पेनल्टी कॉर्नर में डिफेंस कर रहे हैं, हमारी टीम ज़्यादातर जो गेमों में खेल में आप देखते होंगे कि पेनल्टी कॉर्नर गोल खा के हम लोग हारते थे, तो कमाल का डिफेंस कर रहे हैं। जो फर्स्ट रसर के रूप में उनकी भूमिका है बहुत ही बढ़िया है, और डिफेंस में जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है सुमित के साथ, जर्मनप्रीत के साथ, संजय के साथ, ये कमाल की चीज़ है। और जर्मनप्रीत पिछले मैच में अननेसेसरी उनको ब्लेम किया गया, खिलाड़ी हैं दिन होता है, लेकिन जर्मन जितने मेहनती खिलाड़ी हैं ऊपर नीचे करके जिस तरीके से वो फुल टाइम हर भूमिका में आप जहां उनको डाल दो वो मौजूद रहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव है। और अंत में मैं कोच फुल्टन की बात करूंगा, बहुत सही डिसीजन था हॉकी इंडिया का, हॉकी मैनेजमेंट को आभार, हमारे भारतीय भारत सरकार को आभार, भारतीय दर्शकों का आभार, सारे खेल प्रेमियों का आभार कि जिन्होंने दिल दिया है हॉकी को, और फिर से भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद।